अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हमें डिस्कस करना है कि सेल्फ आयनाइजेशन, जिसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं, ये क्या है, और वाटर की आयनाइजेशन पे हमने बात करनी है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का टारगेट जो है, इसमें पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो सेल्फ आयनाइजेशन है, जिसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। सो उस पर हम आ जाते हैं फौरन से। देखें जनाब, सेल्फ आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन, जी जनाब। सो इस पर हमने बात करनी है। देखिए, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन से आई थिंक एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसी एक कंपाउंड की डिसोसिएट होने की डिस्कशन हम कर रहे हैं, उसके टूटने की बात कर रहे हैं, उसके आयंस डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये आयंस जो है वो खुद ब खुद हो रहे हैं, यानी हम उसको जो है ब्रेक करने के लिए, उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इनटू आयंस, ठीक है, हम कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो है H2O, ये जब आयनाइज होता है तो ये बनाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि कोई एक कंपाउंड डिकम्पोज हो ऑन इट्स ऑन, ठीक है। लेकिन वाटर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चूंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये याद रखिएगा कि पानी जो है वो इतनी आसानी से आयनाइज नहीं होता, इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। यानी कि हम ये बात कहेंगे, जैसे हमने जो है पढ़ा भी, नाइन्थ में आपने जो है डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट की टर्म को, कि हम जब करंट गुजारते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कंपाउंड है वो आयनाइज होता है, वो आयंस में कन्वर्ट होता है। लेकिन वाटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म हम देखते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। जब वाटर ब्रेक होगा सो इट विल फॉर्म एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक हो गया। ये बनाएगा, ये डेवलप करेगा, ठीक है। अब इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम एक स्केल डेवलप करें। जैसे कि हम पहले एसिड और बेस को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई एक स्केल हो जिससे कि हम कंपाउंड की नेचर को बता सकें कि वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम पीएच स्केल निकालना चाह रहे हैं। तो वो पीएच स्केल की बेसिस हमारे पास है कि वाटर हम आयनाइज करते हैं और उससे एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव बनता है वाटर, क्योंकि हम पढ़ के भी आ चुके हैं एम्फोटेरिक तौर पे बिहेव भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस सेक्शन पे गौर करें तो एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, और आप जानते हैं कि जो भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन हो तो आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाती है, और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हमारे पास आती है रेशियो किसकी, केसी की। तो केसी विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर एच टू ओ, ठीक है। ये चीज हमारे पास है, ये केसी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेशो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब अगर आप इस केसी के ऊपर गौर करें, यानी इस एक्सप्रेशन पे गौर करें जो मैंने आप लोगों के लिए राइट किया है, मैंने आपसे भी आप डिस्कस की कि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि अगर वी हैव थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो उसमें बहुत कम ऐसे वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो एक्चुअली आयनाइज होंगे, जो कि आयन में कन्वर्ट होंगे, जो टूटेंगे, ठीक है, यानी एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव बनाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, आफ्टर सर्टेन टाइम जब केसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा इस रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर, तो वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। इट मींस कि ये कांस्टेंट जो है हम कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको यहां नहीं आना चाहिए, हम इस कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम एक और कांस्टेंट जनरेट कर सके। तो वाटर चूंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो इतने ज्यादा अमाउंट में आयनाइज नहीं हुआ, वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही, तो ये कांस्टेंट कंसेंट्रेशन आप इस तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, We will have Kc into concentration of water that will be equals to concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion. ठीक हो गया, Kc into concentration of water will be equals to H positive ion concentration into OH negative ion concentration. ठीक है,
अब ये दो जो है हमारे पास जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट हैं, और आप जानते हैं कि जब हम दो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसे एक और कॉन्स्टेंट जनरेट करते हैं, जस्ट लाइक सिक्स नंबर एक कॉन्स्टेंट नंबर है, उसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 12 गेट करेंगे जो कि एक और कॉन्स्टेंट है। सो अगर आप केसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद वॉटर, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि इन दो कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लीकेशन से एक और नया कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम के डब्ल्यू कहते हैं, दैट इज के डब्ल्यू, और ये इक्वल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन और कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है, ये इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल के डब्ल्यू की वैल्यू होती है जिसको हम आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। सो यहां तक की कहानी बहुत आसान, बहुत जो है कहने के आसान रही, मुश्किल नहीं थी, ठीक है। अब देखिए के डब्ल्यू की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम जब एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे पास जो के डब्ल्यू की वैल्यू आती है दैट इज 10^-14, ठीक है। सो के डब्ल्यू विल बी क्या होगा, के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 10^-14, ठीक है, के डब्ल्यू के हमारे पास 10^-14 एक वैल्यू है जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। के डब्ल्यू हमारे पास है क्या 10^-14 जब हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, यानी एच पॉजिटिव आयन का प्रोडक्ट विद ओ एच नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली 10^-14 के इक्वल है, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें सेक्शन के ऊपर तो अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एच पॉजिटिव आयन बनता है और एक OH नेगेटिव आयन बनता है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन डेवलप होगा जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल को आप आयनाइज करते हैं, ठीक है, वाटर को आपने आयनाइज किया तो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक हो गया। तो अगर आप गौर करें, अगर आप जो है इसमें गौर करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, यानी दोनों के जो आयन्स हैं, ठीक है, इनकी कंसेंट्रेशन आपस में इक्वल होती है। एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, क्यों, हमने कहा वाटर का एक मॉलिक्यूल आयनाइज करें तो एक एच पॉजिटिव और एक ही ओ एच नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, तो जो जितने एच पॉजिटिव आयन बनेंगे उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि फिर क्या होगा कि अगर मैं इस एच पॉजिटिव यानी ओ एच नेगेटिव की जगह पर यहां पर एच पॉजिटिव आयन कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इंटू एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10^-14, ठीक है। और अगर आप देखें, हम जानते हैं कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, एड, ठीक है, तो आप पावर एड करते हैं तो यू विल गेट H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू 10^-14, ठीक है। और जब आप चाहते हैं H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन निकालना तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 10^-14, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्केयर रूट आप ले लें, जब स्केयर रूट आप ले लेंगे तो यू विल गेट H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू 10^-7 एट T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास जो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है दैट विल बी 10^-7, ठीक है, ये 10^-7 होगी जब आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, ठीक हो गया। तो यही चीज हम निकालना चाह रहे थे, क्योंकि आपको बताया ना कि हमने एक स्केल डिवाइस करना है जिससे कि हम बता सकें कि किसी कंपाउंड की नेचर क्या है, वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है। इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर की आयनाइजेशन कर रहे हैं और उससे एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बेसिक ऑफ पीएच होती है, जो कि हमने आगे लेटर ऑन डिस्कस भी करनी है। सो होपफुली आपको यहां तक का तमाम के तमाम जो पॉइंट हमने डिस्कस किया समझ आ चुका होगा। स्टिल आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को मजीद हम कैरी करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।